हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी आपको सलाम है। रही बात आपकी राजनीति की, तो आपकी राजनीति आप करते रहे, जो बाकी के ये जो छोटे मोटे मच्छर है ये तो बोलते रहेंगे शेर हो आप शेर। रही बात पेट्रोल की, ये कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। अरे जिस दिन तुम्हारा बाप तुमको 10-20 रुपए देना बंद कर देगा, 5 रुपए देगा, तो क्या बाप चेंज कर दोगे क्या? क्या हम चिंता नहीं करते किसी की, चाहे पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, हम मगर बाप चेंज नहीं करेंगे, देश का शेर चेंज नहीं करेंगे। रही बात हमारे देश की, भारत देश की, मजाल किसी की मच्छर की औकात दे, हमारे देश पर नजर उठा के देख ले, क्योंकि हमने शेर पाला है और शेर पालने के लिए खर्चा तो महंगा करना ही पड़ता है। पेट्रोल 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 30 रुपए का पेट्रोल सरकार 77 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी तो पूछे कि 16 में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 का केरोसिन 15 में क्यों बेचती है? 40 की शक्कर 26 में क्यों बेचती है? 25 का चावल खरीद कर 3 रुपए में क्यों बांटती है? लाखों रुपए टीचरों को तनख्वाह देकर बच्चों को मुफ्त क्यों पढ़वाती है? 6 करोड़ से भी अधिक शौचालय मुफ्त में क्यों बनवाती है? 3 करोड़ गैस चूल्हे मुफ्त में क्यों बांटती है? ये भी तो पूछो। गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू सबके चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती है, ममता सबकी दीदी हो सकती है, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती है, केवल नरेंद्र मोदी देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इतनी नफरत क्यों है भाई? दिक्कत ये नहीं कि दाल महंगी हो गई है, दिक्कत ये कि किसी की गल नहीं रही है।